कार चलाने के लिए कितना शानदार दिन है। मेरी फेवरेट कार, कितना सुंदर। वाह, कितना अच्छा। यह क्या है? यह किसकी कार है? हाय लड़कियों, तुम्हें मेरी नई कार कैसी लगी? यह उतनी ही कूल है जितना कि मैं हूँ। उफ, कितना दिखावा करता है। हे दोस्तों, तुम्हें मेरी कार कैसी लगी? उसे देखो। मेरे पास एक आइडिया है। हम अपनी नई चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ काले और गुलाबी रंग के कार होंगे। यह क्या है? वीता क्या करने वाली है? क्या वह कार को सजाने जा रही है? मैं दुनिया की सबसे मुलायम और गुलाबी कार बनाऊंगी। पूरा गुलाबी, यहाँ तक कि दरवाजे भी। मैं हर कोने को सील कर दूंगी। सुंदर। मेरे पास एकदम सही कार है। किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। देखो, है ना बहुत सुंदर। ओ हाँ। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे निश्चित रूप से स्पाइक्स की जरूरत होगी। कुछ भी मुलायम नहीं। आपका ऑर्डर? वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। ओह, काले पेंट की एक कैन, मुझे इसी की जरूरत थी। अब मैं इस लड़की को दिखाने जा रहा हूँ कि कूल कार का क्या मतलब है। 3, 2, 1, तैयार। बिल्कुल सही, फाइनल टच। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार होगी। तो बढ़िया काम है। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इन स्पाइक्स को चिपकाना होगा। चलो इधर ग्लू डालें और ऊपर से स्पाइक। अब यह डरावना लग रहा है। पहियों पर भी यह होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं? ओह अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने बाहर सजाया और मुझे कार को अंदर से सुंदर बनाने की जरूरत है। मुलायम कुर्सियाँ, यह बढ़िया है। अब मैं इसे थोड़ा और सजाऊंगी। हाँ, यह गुलाबी स्टीयरिंग व्हील कवर एकदम सही है। यह कितना नरम है। मुझे सबको थोड़ा और मुलायम करने की जरूरत है। बस हो गया, सब तैयार। मेरे पास सबसे प्यारी कार है, खासकर इन क्यूब्स के साथ। और तुम्हारे बिना कैसे दोस्त, बहुत प्यारा। चलो कुछ लाइट्स लगाएं। मैं एक एलईडी पट्टी जोड़ूंगी, तो बहुत खूबसूरती से चमक जाएगा। वाह, बढ़िया रिजल्ट। एलेक्स की क्रिएटिविटी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। या क्या, उसने अंदर भी सब कुछ गुलाबी कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक चेन है। मेरा स्टीयरिंग व्हील ज्यादा कूल होगा, क्योंकि ये लोहे से बना होगा, कोई मुलायम फर से नहीं। जब तक ग्लू सूख न जाए, तब तक इंतजार करना होगा। एकदम सही। तो मेरे पास अभी भी ग्लू है, इसलिए मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ। यह खोपड़ी एकदम कूल और खतरनाक दिखेगा। मैंने तुमसे कहा था। और बड़ी खोपड़ी यहाँ। वाह, बढ़िया है। और क्या है? ओ, एक चाबी का गुच्छा। वाह, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल, एक और काम। अब यह स्टीयरिंग व्हील कमाल का लग रहा है। मेरी कार सबसे अच्छी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो देखें कि वीटा अब आगे क्या करती है। कितना अच्छा। वाह, यह क्या? क्या एलेक्स मेरे आइडियाज को फिर से कॉपी कर रहा है? क्या उसने कार को खोपड़ी से सजाया है? तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मेरी कार में सभी के लिए काफी जगह है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे कुत्ते के लिए भी। अच्छा लड़का है, अपना व्यवहार अच्छा रखना। मेरी कार को देखो, और यहाँ तुम सो जाओगे। ओह, यह क्या? मेरा बच्चा इतने कड़े सामान पर सो नहीं पाएगा। मैं इसके लिए मुलायम बिस्तर का ऑर्डर दे देती हूँ। ओह, इतनी जल्दी। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इसे अभी सेट करती हूँ। तुम्हारा बिस्तर सबसे आरामदायक होगा। बस हो गया, देखो यह कितना प्यारा है। वाह, बिल्कुल सही, तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। तुम यहाँ आराम करो। आखिर मेरे पास कितनी शानदार कार है। यह समय है कूल कार में कूल सेल्फी लेने का। वाह, मैं कितना हैंडसम हूँ। अब उन्हें समझ में आएगा कि अपने ट्रंक को ऐसे छोड़ने का परिणाम क्या होता है। ओ, यहाँ क्या है? वाह, यह ठीक है, ले लेता हूँ। जल्दी आओ। पता नहीं उसमें क्या है, पैसा।
अरे नहीं, ये कुत्ता है, एक विशाल डरावना कुत्ता। कितना भयानक, भागो। ये कैसी आवाज है? वाह, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? आशा है कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, मेरा बैग। ओह, तुम कैसे रक्षक हो? एक बैग? ओ, अच्छे बच्चे हो तुम। बेटा, ये तुम्हारा लगता है। ओह, मेरा पर्स। धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओ तुम, चलो मेरी चीजों का ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि अब चोर नहीं आएंगे। इतना अच्छा गेम है, रोकना असंभव है। ओ नहीं, बैटरी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फोन पर कोई गेम खेलने से अच्छा है कि कंट्रोलर से खेला जाए, और मेरे पास इसके लिए उपयुक्त जगह भी है। अब बस टीवी लगाना ही बचा है। वाह, बिल्कुल सही फिट। और यह कंट्रोलर, मैं यह सब यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्या है? आराम से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे यहाँ रखूंगा और अब गेम खेल सकता हूँ। चलो गेम शुरू करें। ओ वाह, यह क्या है? हाय ब्रो। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। वाह, ये कितना मजेदार है, मुझे ये पसंद है। कितना सुंदर है। वहाँ क्या चल रहा है? क्या वे वीडियो गेम खेल रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मजे करना है। मैं यहाँ बॉक्स रखूंगी, मैं ट्रंक खोलूंगी, पार्टी का सामान, बिल्कुल सही, और यह उधर, और दूसरा उसके पास, बस इतना ही। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्को बॉल के बिना किस तरह की पार्टी? बस बहुत बढ़िया, जितना लाइट उतना बेहतर। इसलिए अब मैं एक माला लटकाऊंगी। यह वह जगह है जहाँ यह सबसे अच्छा होगा। बस अब सब हो गया, मेरी पार्टी तैयार है। और बस अब म्यूजिक, देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओ, यह क्या हो रहा है? क्या ख्याल है उधर? चले, हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरे बारे में क्या? मेरे दोस्त आ गए, चलो एक साथ मजा करते हैं। एलेक्स हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहा है? वो अकेले खेल रहा है। ये मेरी गलती है, मुझे सब सुधारना होगा। एलेक्स, चलो एक साथ मजे करते हैं। ओ, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं। सावधान रहो, मैं कभी नहीं हारती। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। ओह, यह मजेदार है। मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओह, यह क्या है? ओह, सुबह हो भी गई। यह जागने का समय है। आखिरकार, यह मेरा फेवरेट ऑटम ब्रेक का समय है, हैलोवीन। मेरे पास सूट तैयार करने का भी समय था, और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया भी है कि वीटा को कैसे डराना है। मुझे पता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो भूतों से डरती है। तो मैं एक बैलून लूंगा और एक सफेद कपड़ा और मार्कर। कपड़े के एक तरफ से इसमें थोड़ा कट कर दूंगा और फिर बैलून को इसमें डाल दूंगा, और फिर मार्कर से उसके ऊपर भूत की तरह नाक और मुंह बनाऊंगा। मैं बैलून को वहां टांग लूंगा। जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। ठीक उसके चेहरे के ठीक सामने लटकाता हो। और मेरे पास एक स्पेशल ग्लव्स भी है, यह उसके हाथों में पहना देता हूँ। अब आएगा मजा। बेशक बिखरी हुई कैंडीज के बिना क्या शरारत। चलो इसे यहाँ अच्छे से फैला देता हूँ। अब फाइनल टच, यह हरा स्लाइम। देखता हूँ इसे कितना खुश होगी। इसे भी यहाँ अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। हमें कमरे का दरवाजा सील करना नहीं भूलना चाहिए, बस सोचेगी कि एक ईंट की दीवार है। ओह, सुबह हो गई। कितना भयानक। ओह, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ? कितना डरावना। यह जरूर एलेक्स का काम है, मैं अभी उसे दिखाती हूँ।
क्या बकवास है? यह क्या है? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं उसे कैसे बदला ले सकती हूँ? हाँ, जब वो तौलिए पर खूनी प्रिंट देखेगा तो वो सच में उसे पसंद करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। चलो मैं लाल रंग लेती हूँ और उस पर हाथों पर मलकर तौलिए पर प्रिंट करती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यह तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। चलो एलेक्स को खूनी पानी से स्नान करवाते हैं और इसके लिए शावर के ऊपरी भाग को खोलकर सिरिंज से उसमें लाल रंग मिला हुआ पानी भर देते हैं। बहुत बढ़िया, आखिरी टच होगा आईने पर एक डरावना मैसेज। चलो पहले हाथ धोते हैं, मैं लिखूंगी ICU। वो पागल हो जाएगा। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सुबह सुबह नहाकर तरोताजा हो जाता हूँ। वो क्या है? क्या ये खून है? बचाओ, मुझे तुरंत पहुँचना होगा। मेरा तौलिया, जल्दी। यह क्या है? किसी के हाथ का छाप? क्या हो रहा है? कौन है मेरे बाथरूम में? यह क्या है? ICU? कोई मुझे देख रहा है, बचाओ, मेरे बाथरूम में भूत है। एलेक्स, तुम्हें मेरी शरारत कैसी लगी? यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे पास एक शरारत के लिए आइडिया है। इसके लिए मुझे सीरियल और दूध का एक डब्बा चाहिए। जब वो अपने फेवरेट कार्टून देख रही होती है तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखता है। मैं कटोरे लेकर उसमें सीरियल रखता हूँ और एमा के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखो एमा के लिए क्या है मेरे पास? कीड़े। हाँ, यह उसे जरूर पसंद आएंगे। मैं उसे बॉक्स में रख देता हूँ। ऐसे ठीक रहेगा। अब यह ठीक अच्छा दिख रहा है। बेटा, टैबलेट को घूरना बंद करो। बेहतर होगा नाश्ता करो। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। दूध कहाँ है? इसे यहाँ दे दो। ओह, ये कितना दिलचस्प है। मुझे दूध दो, मैं इसमें डालती हूँ। मेरे अच्छे भूख के लिए शुभकामनाएं दो। क्या ये सीरियल चल क्यों रहा है? कितना भयानक। एलेक्स, क्या तुमने सच में ऐसा किया? ये एक शरारत थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एलेक्स को सबसे डरावना फिल्म शो देने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बीच में छेद करके एक खास टेबल बनानी होगी। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और उसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगी। मेरे पास एक काला कपड़ा भी है, मैं इसमें कट लगा दूंगी और पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी अच्छे से भरना होगा ताकि उसे शक ना हो। एलेक्स को डराने के लिए फिनिशिंग टच और हेलोवीन मेकअप को तो भूल नहीं सकते। शरारत तैयार है, बस। वाह, पॉपकॉर्न कितना अच्छा। एक डरावनी फिल्म और पॉपकॉर्न, असली हेलोवीन का मजा। मुझे किसने काटा? या मैं हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पॉपकॉर्न में एक भूत है, बचाओ। मुझे पता था कि शरारत निश्चित रूप से काम करेगी। मेरी राय में यह शानदार था। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है।
ठीक है, कद्दू के बिना हेलोवीन कैसा। अब मैं पूरे अच्छे से तैयारी करूंगी। एक चाकू लूंगी और अंदर के बेकार के हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। अब यह ठीक है। अब पूरी सावधानी से इसकी आंखें काटनी होंगी और मुंह भी। और फिर कद्दू के अंदर आपको मोमबत्तियां लगाने की जरूरत है ताकि उसका चेहरा यथासंभव डरावना हो। यह अच्छा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। बस अब इस कद्दू को बिस्तर के नीचे डालती हूँ। देखती हूँ, बहुत मजा आएगा जब देखेगा एलेक्स इसे। बहुत बढ़िया। अब जो कुछ बचा है वह बिस्तर के लिए खोली रास्ता बनाना है ताकि एलेक्स निश्चित रूप से इसे नीचे देखे। इसके लिए आपको बस जूते के तलवे को लाल रंग से रंगना होगा। वैसे बाद में पेंट को धोना मुश्किल है, इसलिए इसे घर पर ना धोराए। और अब यहाँ पर खूनी पैर के निशान बनाने हैं। ये बढ़िया रहा। और अब केवल एलेक्स का इंतजार करना बाकी है। हाँ ये अच्छा है। अरे वाह, क्या है? क्या अजीब पैरों के निशान? मेरे बिस्तर के नीचे कौन है? कितना भयानक! बचाओ, यह कद्दू मुझे खा जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। डरपोक? अच्छा तो ये तुम्हारा काम था। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। पारारा को सब्सक्राइब करें, फिर आप किसी भी दिलचस्प और रोमांचक वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और कमेंट्स में लिखें कि आज की कौन सी शरारत आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।